ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जनाब महेंदर रेड्डी साहब, पीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, मिधानी के बल देखो और पाकिस्तान के सारे जिम्मेदारा कॉरपोरेटर, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं पुराने शहर में जनाब महेंदर रेड्डी साहब का और पुराने शहर की आवाम की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और मैं हमारे एमडी साहब का भी पुराने शहर की आवाम की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और मुझे बेहद मसर्रत खुशी होती है ये कहते हुए कि आज पुराने शहर तरक्की की तरफ तेजी से जा रहा है और हर वक्त यही इल्जाम लगाया जाता रहा कि पुराने शहर में डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन आज देखने वाले देख सकते हैं कि ये मिधानी बस डिपो, वो मिधानी बस स्टैंड और इसके सामने की रोड, मैं समझता हूँ कि नए शहर के बराबर कितनी चौड़ी, कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन रोड यहाँ पर मौजूद है। तो आज काम हो रहा है और अरसे दराज से ये मुतालबा था कि यहाँ पे मिधानी में जो बस डिपो है यहाँ पे एक असरी और जदीद एक बस स्टॉप का कयाम अमल में लाया जाए, बस स्टेशन का। तो इस पर हमारी मुसलसल नुमाइंदगी पर करीब 8.5 करोड़ के सर्फे से ये बस स्टेशन ये बनाया गया है और यहाँ पे कोशिश की गई है कि सारे सहूलतें भी दी जाए और एक मॉडर्न बस स्टैंड का जो जीएनएमसी टेकअप कर रही है उसके लिए भी हमने ये मिधानी बस डिपो और मिधानी ये सेंटर का भी हमने इसका नाम पेश किया है। और अभी एमडी साहब ने ये भी बात कही है कि आने वाले कल में ये प्रपोजल है कि जितने बड़े बड़े बस स्टेशन, बस स्टैंड है यहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट सेंटर्स का कयाम कराया जाए। तो इसके लिए भी मैंने पहले ही नुमाइंदगी कर चुका हूँ कि इस मुकाम में पुराने शहर में भी कई जगह पर फलक नुमा हो या उसके आगे फलक को जो शिफ्ट किया गया था पर भी ये एंटरटेनमेंट या मल्टीप्लेक्स को लाया जाए। तो यह हमने मुतालबा किया है, इंशाल्लाह वो भी होगा। मैं पुराने शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज इतना बड़ा काम का आगाज होने लगा है और ये भी कहूंगा कि बहुत दिन हो चुके हैं ये बस स्टेशन का आगाज हो चुका है। हर वक्त मुझसे बोलते रहे कि अकबर साहब टाइम दीजिए, इसका इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि पहले आप ऑपरेशंस को शुरू कर दीजिए। बहुत सी जगहों पर होता यह है कि इनॉग्रेशन पहले होता है, ऑपरेशंस बाद में शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन पहले हुआ है, आज इनॉग्रेशन हो रहा है। तो मैं ये भी जरूर कहूंगा कि हम काम कर रहे हैं मिनिस्टर साहब से। मैं 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पुराने शहर के आवाम की जानिब से। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर साहब ने, जब मैंने असेंबली में एक मसले को उठाया था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी बात पर यह ऐलान किया था कि उर्दू को रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का मौखब देने का, और दिया भी गया, जीओस भी निकाले गए, असेंबली में ऐलान भी हुआ कि रियासत में तेलुगु है पहली सरकारी जबान तो दूसरी सरकारी जबान सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज और द स्टेट ऑफ तेलंगाना आफ्टर तेलुगु इस उर्दू कहकर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर कहूंगा कि आज
جہاں کہیں پر بھی نظر جاتی ہے تو کہیں پر بھی اردو دوسری سرکاری زبان نظر نہیں آ رہی. امید کرتا ہوں کہ جو اعلان ہوا وہ اعلان صرف اعلان کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ نظر کہ یہاں پہ اردو میں بہت برابر دکھیں گے جس طریقے سے تیلگو اور انگلش میں بھی دکھتے ہیں. ہر وقت اردو کے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہر وقت اردو کے ساتھ سوتیلا رویہ اختیار کیا گیا, ہر وقت اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اردو ایک نیکی زبان ہے, اچھی زبان ہے, لیکن ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, اردو کو ہم کو پھیلانا ہے, اس کے لیے دوسری سرکاری زبان کا اعلان کر دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اردو کے بورڈ یہاں پر آئیں گے. اور یہ دوسرا میرا ایک اور ایک مطالبہ ہے کہ صرف بس اسٹیشن بس اسٹینڈ پر اردو نہیں, بلکہ ہم جب چھوٹے تھے تو میں بھی میرے اسکول کو آر ٹی سی بس میں جاتا تھا حیدر پورے سے, میں اور میرے بھائی اسد الدین اویسی صاحب ایم پی صاحب, تو ہم بس میں جاتے تھے اور بس کی بورڈ پر تیلگو بھی رہتی تھی, انگلش اس کے ساتھ اردو بھی رہتی تھی, لیکن آج بسز پر بھی اردو نہیں ہے. پرانے شہر میں اردو والے ہیں لیکن اردو میں نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے صاحب بس اسٹاپ پر, ایسے بس اسٹیشن پر, بس ڈپوز پر اور بسز پر بھی اردو میں بھی آپ کریں. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, الیکٹرانک بورڈ ہم دیکھتے ہیں بسز پر کہ بسز کے روٹس, بسز کے نمبر الیکٹرانک بورڈ میں آ رہے ہیں. الیکٹرانک بورڈ میں تیلگو میں ہے یا انگلش میں ہے لیکن اردو میں نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس مطالبے پر منسٹر صاحب سنجیدگی سے نوٹ لیں گے, احتساب بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اعلان چیف منسٹر صاحب نے کیا اس اعلان کی لاز رکھتے ہوئے اردو کو اس کا جائز مقام و حق دیا جائے گا. دوسرا میرا ایک مطالبہ منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ ہم نے نمائندگی کر کر پرانے شہر کے لیے, پرانے شہر کے لیے ہم نے چھوٹے منی بسز کا انتظام کیا اور آج اس آپ کے بس ڈپو شاید سبجیکٹ کریں صرف رکھے ہوئے ہیں, چلائے نہیں جا رہے. آپ نے باما نگر سے لوکیلٹی سے بس جاتی کوٹی اور چار مینار وہ بس روک دی گئی, پھر یہاں سے نکل کے ریاست نگر اور شالی منڈل تک ایک بس جاتی تھی وہ بھی روک دی گئی. ایسے پانچ بسز کو سٹاپ کر دیا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان بسوں کا آغاز کریں گے. اور ایک تیسرا ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مینامی بس ڈپو جب بنایا گیا تو اس وقت مجلس اتحاد مسلمین اور پھر سالار ملت علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے ان کی نمائندگی پر وہ آ کر یہ مینامی بس ڈپو کے قیام کے لیے لینڈ دیے. اور اس کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹی سی درگاہ ہے, چھوٹے سے قبول ہے, وہاں پہ یہ مقامی لوگوں کی بڑا عقیدہ ہے, وہ درگاہ کو جاتے ہیں, لیکن اس ڈپو میں وہاں پہ پرس اور درگاہ کی زیارت کرنے سے روکا جا رہا ہے. منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ ایک چارہ تو بس خالی ایک وقت رکھ دیجیے, آپ جاتے ہیں فاتحہ دیں گے اور پھول چڑھا دیں گے, درگاہ ہے وہاں پہ, اگر وہ بند ہو گئی تو اچھا نہیں. اور تیسرا چوتھا آخری مطالبہ میرا یہ ہے کہ میں منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ فلک نما جو جونیئر کالج, ڈگری کالج اور ہائی اسکول کے جی ٹو پی جی کا اگر کوئی کیمپس ہے پورے ریاست تلنگانہ میں تو وہ فلک نما ایجوکیشنل کیمپس ہے. اور وہاں پہ ڈپٹی چیف منسٹر صاحب مسٹر کریم سری ہری صاحب آج سے دو روز پہلے دورہ کرے اور وہ حیرت میں تھے کہ جونیئر کالج فور گرلز میں 1100 اسٹوڈینٹس, جونیئر کالج فور بوائز میں اگین 1200 اسٹوڈینٹس, ڈگری کالج میں فرسٹ ایئر ڈگری میں 300, سیکنڈ ایئر ڈگری میں 700 اب تک رجسٹریشن ہوئے. اردو میڈیم پرائمری اسکول, تیلگو میڈیم ہائی اسکول, یہ سارے اسکول تھے. تو وہ کیمپس میں ٹوٹل اسٹوڈینٹس کی اسٹرینتھ از 7500 اسٹوڈینٹس. اور وہ انٹیریئر اندر ہے فلکنما بس ڈپو سے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچیاں, غریب بچیاں ہی
गरीब बच्चे ही गरीब स्टूडेंट्स ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, अपने खानों पे बैग लेकर तकलीफ में जाते हैं, करीब 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसा दिखता है कि आज भी हम किसी गांव में रह रहे हैं, रिमोट एरिया में है, कि गांव के बच्चे बैग लेकर 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलते हुए स्कूल को जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि फलकनुमा बस डिपो से फलकनुमा एजुकेशनल का जो कैंपस है वहां पे स्कूल के टाइमिंग्स पर, कॉलेज के टाइमिंग्स पर, जो भी टाइमिंग है, ये टाइम से स्कूल शुरू हो रहा है तो उससे 15-20 मिनट तक बसल आप फलकनुमा से वो कैंपस को गए ऐसा इंतजाम करिए। जो टाइम पे स्कूल छूट रहा है, कॉलेज छूट रहे हैं, वो टाइम पर भी सिर्फ फलकनुमा कैंपस से लेकर फलकनुमा बस डिपो तक बस आए वैसा ये गरीब बच्चों के लिए इंतजाम कराए, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड, 10th से 12th इंटरमीडिएट, 12th से लेके ग्रेजुएशन के बच्चे वहां पर है। बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चियां हैं बुरके में रहती है, बैग है पैदल जा रहे हैं। तो ये ऐसे चीजें हैं। और लास्ट में मैं मिनिस्टर साहब से एमडी साहब से ये कहूंगा कि आप आपके जितने यहाँ के जो आरटीसी के जो लोग हैं उनको बोलिए कि जो अंदर जो हमारे और सिटी के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसका एक सर्वे कर रिपोर्ट बनाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बसेस का वो स्कूल और कॉलेजेस का कैसा है नेटवर्किंग देखिए। अगर नेटवर्क नहीं है ये ट्रांसपोर्ट का तो उस नेटवर्क को शुरू करने की कोशिश करिए, जिसके लिए जो भी ताबूत हो रहे हैं हम करने तैयार। और यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, आप देखिए मेरे इंतजार से मैं कहूंगा कि अब आप यहाँ मिधानी व्यक्ति साहब से भी कहूंगा क्या एक भी बस स्टॉप या बस सेंटर आपको दिखाई देता है कभी? बस सेंटर नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि आगे यहां से ये स्ट्रॉन्ग थ्रो डिस्टेंस कहूंगा कि पत्थर फेंके अपने पास ले पर दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, ओवेसी हॉस्पिटल है, वहां पे डेक्कन फिजियोथेरेपी कॉलेज है, वहां पे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज है। तो टोटल उस कैंपस में भी 3000 स्टूडेंट्स है और फिर हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी 500 है और फिर वहां पे पेशेंट्स है, वहां पर भी एक बस स्टैंड या बस शेड नहीं है। मुसलसल बोलने के बाद भी आज तक नहीं आता। और फिर सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि किस तरह धूप में चिलचिलाती धूप में खड़े रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने कई रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि बस बेस के लिए, बस स्टॉप्स के लिए और बस शेल्टर्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखेंगे और यहाँ पे जो भी स्पेस अवेलेबल है जो कि ट्रैफिक कंजेशन नहीं करेगी, पीछे हट करे, आपने यहाँ देखा होगा आगे इस पीछे रोड या मस्जिद के पास इधर आप यहाँ पे बस बेस या बस स्टॉप ला सकते हैं ताकि यहाँ के लोगों को सहूलत हो। और छोटे छोटे बसेस अगर आप ओल्ड सिटी के लेन और बाई लेन में लाएंगे तो इससे सहूलत होगी। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां परेशानी में जाती हैं यहाँ से तालीम को अपने स्कूल और कॉलेज के लिए। मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मिधानी डिपो में आपसे मेरी एक अपील है कि कम अज कम छोटे एक 20 मिनी बसेस का ऐलान करिए आप यहाँ पे और यहाँ से पूरे पुराने शहर में। तो मैं आपका बहुत वक्त दिया आपका इसके लिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपके और भी एंगेजमेंट है, आपने वक्त दिया इतना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे प्रबंधन करता हूँ और ये इनॉग्रेशन के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि जो जो मसाइल को मैंने आपके सामने रखा है इन मसाइल पर आप गौर करेंगे और जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं